अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबीन, डायरेक्शन मेकर की जानिब से। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको SEO कीवर्ड सर्च टूल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि हम SEO के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम अपने आर्टिकल या कंटेंट के लिए कोई भी ऐसे बगैर किसी कीवर्ड रिसर्च टूल के हम पोस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें रिसर्च ज़रूरी हो गई है अब, और हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है अपने कंटेंट के लिहाज से। उसके बाद उसका कीवर्ड की प्रॉपर रिसर्च के बाद हम अपना आर्टिकल पोस्ट करते हैं। उसको हर लिहाज से हमें देखना होता है। अगर हम अपने आर्टिकल या कंटेंट की अच्छी तरह ऑन पेज SEO कर लें तो उसकी रैंकिंग में ज़्यादा हो जाएगी और उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे गूगल में उसकी रैंकिंग बढ़ने के। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कभी आर्टिकल लिखें तो उसकी सबसे पहले कीवर्ड को रिसर्च ज़रूर कर लें। हो सकता है कि आपके माइंड में जो है कीवर्ड हो या टाइटल हो वो सही भी हो, लेकिन उस सर्च कर लेना बेहतर है। और उसके बाद अगर हो सकता है कि आपका जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड ही, उससे थोड़ा सा डिफरेंट कीवर्ड लोग ज़्यादा सर्च करते हों, इस हवाले से मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स के हवाले से हैं। गूगल में एक टूल है कीवर्ड प्लानर के नाम से, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कीवर्ड प्लानर के नाम से ये है। और आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो उसके बाद अगर आपका अकाउंट लॉगिन है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद ये जो कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ सबसे ऊपर जो ऑप्शन है सर्च फॉर द न्यू कीवर्ड यूजिंग ए फ्रेज वेबसाइट और कैटेगरी, आप अपनी वेबसाइट के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप सर्च कर सकते हैं इस पर। जैसा कि मैं कोई भी एक मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ इसी हवाले से, कीवर्ड रिसर्च टूल। ये बाकी ऑप्शंस एडवर्टाइजर्स के लिए होते हैं, इसको आप छोड़ दें, ये फ़िलहाल हमें नहीं ज़रूरत इन चीज़ों की। उसके बाद हम गेट आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि लोग इससे रिलेटेड क्या सर्च करते हैं। तो इसके बाद एक अगला नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा जिसके अंदर आपको ये कुछ बताएगा, एवरेज बता रहा है कि 1 मिलियन to 10 मिलियन इसके रिजल्ट्स हैं। हमने कीवर्ड आइडियाज़ देखने हैं कि इसकी जो मंथली एवरेज सर्चेज है वो 1K से 10K है, और कंपटीशन मीडियम है। सजेशंस बिड ये भी एडवर्टाइज़र के लिए होती हैं, जो कि वो बिड करते हैं उसके हवाले से अलग डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट, उनकी एवरेज मंथ में जो सर्चेज हैं वो बताई गई हैं। कंपटीशन लो है एंड ये सजेशन बिट्स हैं, इसी तरह ये सब कुछ शो है। कीवर्ड ज़्यादातर एक वर्ड का होता है, मैक्सिमम 3 वर्ड्स का होता है, 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 1 वर्ड भी हो सकता है। अगर कीवर्ड आपका 3 वर्ड से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है, सॉरी। उसके बाद एक और टूल है जो कि वेब टेक्स्ट टूल के नाम से है, आप यहाँ पे सर्च करें बार में वेब टेक्स्ट टूल के नाम से, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे ये फ्री अकाउंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन या ये पेड अकाउंट है, यहाँ पे एक उन्होंने फ्री अकाउंट भी दिया है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड के लिए सर्च करने के लिए। मेरा ये पास ऑलरेडी अकाउंट है, अगर आप पहले यहाँ पे साइन अप कीजिए उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे ये साइन इन करने के बाद जो अगला पेज शो होगा वो ये है, इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं न्यू पेजेस और न्यू प्रोजेक्ट के नाम से।
न्यू पेजेस से मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिख सकते हैं जो जिसमें आपको ये बताएगा कि आपके कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, एसईओ का स्कोर कितना है। आपको इसी एक पेज पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। इसी तरह एक नीचे एक ऑप्शन है कैलकुलेट पेज ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। हम अपना को एसईओ स्कोर चेक कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास एक ये पोस्ट है मेरी वेबसाइट की, इसका लिंक कॉपी कीजिए और आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। और इसका जो कीवर्ड है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा कि इसका कीवर्ड इसी का नाम है तो हम ये सर्च करते हैं। तो इसका देखें आप, जैसा कि एसईओ स्कोर 58 है, वेल एंड गुड है। अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर आता है तो बहुत ही अच्छा है, वो आपकी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी वेबसाइट की। लेकिन इसके अंदर जो हमने मेन चेक करना था वो ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप सबसे ऊपर आप जाएंगे ना क्रिएट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे हम अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैं वही कीवर्ड दोबारा यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गिफ्ट सजेशंस, तो इससे रिलेटेड जितनी भी सजेशंस हैं, जो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जो कंटेंट में यूज़ होते हैं, जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, तो वो सब शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये तीन बॉक्सेस बने हैं, ग्रीन से मतलब यानी कि वेरी हाई, यानी कि वॉल्यूम इसका काफ़ी है, इसको काफ़ी लोग सर्च करते हैं, कंपटीशन हार्ड है, ओवरऑल मॉडरेट है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि इससे रिलेटेड कीवर्ड यूज़ हुए हैं। सबसे पहले लिखा है कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर एसईओ, क्योंकि एसईओ का टूल है तो इसके साथ लोग ज़्यादातर एसईओ का वर्ड लगाते हैं। और हर साल आपके जो टूल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं आपकी एसईओ को बेहतर बनाने के लिए, इसलिए इनके साथ आप ईयर भी लगा सकते हैं। ओवरऑल देखिए आप, इसका गुड है सजेशंस ये सारी हैं, ये लाइक आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल या कंटेंट में। उसके बाद एक और है टूल जो हम यूज़ करते हैं सेम इसी तरह का कीवर्ड टूल के नाम से, ये भी आपको सजेशंस देता है वर्ड, आपके वर्ड से रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं। लेकिन ये इतना ख़ास यूज़ नहीं होता ना ही ये, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। तो जो मेनली यूज़ होते हैं वो ये दो टूल्स हैं। आप इसके ऊपर अपने टू कीवर्ड को रिसर्च करें और देखें, और उससे में अगर सजेशंस में आपको कोई अच्छा कीवर्ड मिलता है तो आप उसको यूज़ कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।